सपोर्ट स्टाफ की कितनी सपोर्ट ले लेनी चाहिए और सपोर्ट से फायदा क्या होगा, डेटा से कितना फायदा होगा। एंड जब सपोर्ट स्टाफ की बात करते हैं वसीम, एक चीज मुझे समझ नहीं आती, ठीक है, सपोर्ट स्टाफ इज देयर टू सपोर्ट यू, बट द सपोर्ट स्टाफ इज, डू दे इवन हैव अ राइट टू इम्प्लिकेट समथिंग ऑन यू? मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ यहाँ मौजूद थे वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन में, बीइंग द एक्स बैटिंग कोच, उनका ये कहना था कि वो सिर्फ प्लेयर को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि उसकी बैटिंग का ये मसला है, अगर वो सही करना चाहे तो वो करे, वरना वो नहीं करना चाहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या यही जॉब है एक सपोर्ट स्टाफ की? देखिए, एक तो स्पोर्ट स्टाफ का जो स्ट्रैटजी बनती है ना टीम की, मैं नॉर्मल सिचुएशंस की बात कर रहा हूँ जहाँ में चीज़ें नॉर्मल चलती हैं, जैसे हमारे PSL में चलती हैं, ठीक है, चले मैं मुल्तान सुल्तान के साथ, मैं उनकी बात करता हूँ कि वहाँ जब आपकी स्ट्रैटजी बनती है, बल्कि सुहेल ने ऑल ओवर द वर्ल्ड खेली हुई है लीग्स, कि आपकी बैटिंग मीटिंग होती है, आपकी बॉलिंग की मीटिंग होती है, वो रन कौन करता है, आपका बॉलिंग कोच उसको रन करेगा बॉलिंग मीटिंग को, बैटिंग कोच आपका बैटिंग की मीटिंग को रन करेगा, आपका हेड कोच भी वहाँ पे मौजूद होगा, सिर्फ बॉलर्स बैट्समैन आके अलग अलग वो बैठे होते हैं उसके अंदर। तो सबसे आपका बड़ा रोल ये है कि स्ट्रैटजी के अंदर, अब ये नहीं कि मेरे से कोई पूछेगा तो मैं बताऊँगा, आपने स्ट्रैटजी बनानी है, भाई ये पिच ऐसा है, ये हमारे यहाँ पे ये शॉट्स ऑन है, ये नहीं है, ये इनकी स्ट्रेंथ है, मैचअप्स, आप सारा एनालिस्ट आपके साथ बैठे होते हैं, अब वो चीज़ें डिस्कस करते हैं, और इंटरनेशनली अब ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है जो कि हमारे यहाँ अभी नहीं होती है, हम अभी भी बस वो निकाल लेते हैं, यू नो एवरेज कितनी है और स्ट्राइक रेट कितना है, बस इन चीज़ों पे जाते हैं, स्पेसिफिकली हम नहीं जाते कि हमने बॉल कहाँ पे करने हैं। अब चीज़ें बेहतर हो गई हों तो मुझे पता नहीं है कि इस बारे में हम कितना कर रहे हैं, लेकिन देखिए हमें जो हमारा जो प्लेयर्स का एक माइंड सेट है ना, हमें स्पोर्ट्स स्टाफ में कोचेज नहीं चाहिए, हमें मजदूर चाहिए। ओके कि जो कि हमें थ्रो डाउन कर, बैटिंग कोच है ना सारा दिन बॉलिंग फेंकता है, ठीक है, आपका असिस्टेंट कोच है तो वो बस बॉलिंग इकट्ठी करे, बोर्ड के ऊपर लिख दीजिए इस टाइम पे इसने बैटिंग करनी है, इस टाइम पे इसने बैटिंग करनी है, ठीक है ना। तो हमने बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट ही कोचिंग का चेंज किया हुआ है, आपकी जो मेन स्ट्रैटजी बनती है वो आपका हेड कोच बनाता है, ठीक, स्ट्रैटजी के अंदर वो कैप्टन से भी ऊपर है, कैप्टन कोच मिलके बनाते हैं, लेकिन जो फाइनल सेइंग है वो कोच की होगी कि इस तरीके से हमने आज हमारे सिनेरियो में होती नहीं होती ना, हमारे यहाँ तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि मजदूरों की तरह यूज होते हैं हमारे जो स्पोर्ट्स स्टाफ जाता है, इसीलिए जो इक्का दुक्का नाम आपको हमेशा नजर आते हैं वो लेबर का काम बहुत अच्छा करते हैं, वो पूरा दिन आपको थ्रो डाउन कराएंगे, लेकिन वो थ्रो डाउन कौन सी कराएंगे जो वो बैट्समैन आपको कह रहा है, अच्छा वैसी वाली, हाँ ऐसी वाली कराना मेरे लिए, ये वाली बात आ रही है ना कि अपने कम्फर्ट जोन से नहीं निकल रहे हैं, तो आपको थोड़ी अपनी अथॉरिटी शो करनी होती है, और ये आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ योर कोचिंग जॉब, जब आपके पास हो तो आपने स्ट्रेटजी के अंदर भी, और आपने अगर किसी प्लेयर की हेल्प करनी है, ऑब्वियसली आप टेक्निकल चीज़ों पे नहीं जाते हैं, लेकिन टेक्टिकली आप प्रैक्टिसेस भी कराते हैं कि भाई थोड़े कदमों का इस्तेमाल करना है, स्टांस थोड़ा सा आपने ऑफस्टंप के बाहर लेके जाना है, या यू नो कुछ नई चीज़ें ऐड करनी है टेक्टिकली, तो वो आपका हक बनता है और आपको करना चाहिए वो। हमारे यहाँ वो कल्चर डेवलप नहीं हुआ, हमारा कोच गोरा, हम क्यों गोरा आता है, गोरा आते ही गोरे को रखते हैं जी, कि शायद गोरा आके वो चीज़ें करवा लेगा इनसे, उनकी सुन लेंगे शायद ज्यादा, शायद वाली बात ही है, मिकी आर्थर टाइप लेके आएंगे तो वो भी तकरीबन वो इसी सिस्टम का हिस्सा, बहुत अच्छा पहले ही हो गए थे वो ऐसे ही है, तो लेट्स होप कि गैरी आके चीजों को चेंज करेगा, भाई नहीं ये हमने करना है, ये नहीं कि आपने सुन लिया उसके बाद मर्जी आपने अपनी कर दी, दैट्स व्हाट वी होपिंग, कि बड़ा नाम है, अच्छा कोच है, वो आगे चीजों को अप्लाई करेगा, वो इंप्लीमेंट करवाएगा आपसे, जबरदस्ती करवाएगा। ग्रांट कि अगर आपने जिक्र किया, उसने एक स्टेटमेंट दी थी ना कि अब हम ये करवाएंगे, जो करेगा वो रहेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं, इस टीम का वो नहीं रहा ना, ग्रांट नहीं रहा, ग्रांट नहीं रहा, ग्रांट नहीं रहा, लेकिन क्या ग्रांट ने वहां पे कुछ किया उस वर्ल्ड कप के अंदर, क्या वो चीजें रियलाइजेशन करवाई या मिकी ने करवाई, कोई नहीं करवाई, जब टीम अंदर है तो इसका तो मतलब ये है फिर वसीम साहब, ये जो लोग बातें कर रहे हैं प्लेस पार, इसका मतलब ये तो है ना कि प्लेस ड्राइव कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, या पाकिस्तान क्रिकेट को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसला साज नहीं चला रहे हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट के 4-5-6 खिलाड़ी चला रहे हैं, फिर इसका मतलब उनका जो दिल करेगा वो प्लेयर पावर नहीं, थोड़ा सा मैं अपनी वो कहूँगा कि क्रिकेट बोर्ड को इस पे जिसका जो काम है उसको अथॉरिटी दें, आप हेड कोच हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग्स, स्ट्रैटजी होगी आपकी, होगी सिलेक्शन कमेटी है, आप सिलेक्शन के रिस्पॉन्सिबल। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है जी कि कैप्टन ने सारा कुछ करना है, अब वो आप गलत ट्रेंड सेट कर देते हैं, फिर अगर आपने कैप्टन नहीं सारा कुछ करना है तो वाई 6-7 बंदों को इतनी सैलरी दे के आप सिलेक्शन में आपने रखा हुआ है, या आपने कोचेज रखी हुई है कि उनकी चलनी भी नहीं है स्ट्रैटजी के अंदर। तो आई थिंक ये क्रिकेट बोर्ड की भी थोड़ी सी मैं कहूँगा कि इसमें उनको तगड़ा होना पड़ेगा, भाई ये हमारे कोचेज हैं, इन्होंने जैसे चलाना है आपने वैसे ही चलना है, आपने वो स्ट्रैटजी अंदर जाके अप्लाई करानी है, आपने प्लान एग्जीक्यूट करने हैं। कैप्टन का मेन काम क्या है,
जो प्लान्स हैं उनको एग्जीक्यूट कराना, प्लान जब बनते हैं वो बाहर कोच के साथ बैठ के बनेंगे, तो हमें ये ट्रेंड चेंज करना होगा। और सुहेल आपको ज़्यादा बेहतर बताएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट और लीग क्रिकेट में कैसे चीज़ें चलती हैं। पर सुहेल, मैं एग्जैक्टली इसी बात पे आ रही थी कि प्लान दिया जाए कैप्टन को, कैप्टन उस प्लान को अप्लाई ना करे, और ऐसा नहीं कि समझ नहीं आ रही तो अप्लाई ना करे, ऑन पर्पज अप्लाई ना करे, बिकॉज वो अपने प्लान पर ज़्यादा ट्रस्ट करता है। पाकिस्तान में ये दिखता है होते हुए, दुनिया भर में आपने लीग्स खेली हैं, जब वहाँ कैप्टन उस तरह अप्लाई नहीं करता तो फिर क्या किया जाता है? और लेकिन इसमें एक चीज़ ऐड कर लें, और वही कैप्टन अगर किसी लीग में कप्तानी कर रहा हो तो वहाँ पर बाहर से कोच की हर बात सुनते हुए मानते हुए नज़र भी आता हो, पाकिस्तान की टीम में आए तो वो बिल्कुल ही बदल जाए। देखिए, अथॉरिटी डेफिनेटली आपको कैप्टन को देनी होती है जब वो स्पेसिफिक फील्डिंग के दौरान, जब वो फील्डिंग हो रहा है उसने कैसे ऑपरेट करना है। बट ऑब्वियसली आप कोच के साथ, जैसे वसीम भाई कह रहे थे, आप कोच के साथ बैठते हैं, एक गेम प्लान बनाते हैं, देन यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम। अल्टीमेटली जाहिर है अब हर ओवर के बाद तो कोच ने आपको नहीं बताना कि किसको ओवर कराना है, किसको नहीं कराना, कहाँ फील्डर रखना है। आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ऑन बेसिस ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन यू मेक बेस्ट कॉल। बट ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, कोच को भी उतना ही, क्योंकि दोनों इक्वली अकाउंटेबल होते हैं। अगर टीम हारती है तो वो कोच की भी वो गलती होती है, वो कप्तान की भी होती है, दोनों इक्वली अकाउंटेबल होते हैं। तो अथॉरिटी भी दोनों के पास होनी चाहिए, और दैट्स हाउ इट वर्क्स इन लीग क्रिकेट, जो दुनिया भर में, क्योंकि लीग क्रिकेट आपको पता है डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड से प्लेयर आते हैं, एक शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड होता है जिसमें आपने बड़ी क्विकली चीज़ें करनी होती हैं, टीम बनानी होती है, जेल होना होता है, तो वहाँ बड़े क्विक डिसीजन होते हैं, तो वो बिना म्यूचुअल रिस्पेक्ट के हो नहीं सकते। कोच ये नहीं कर सकता कि वो कहे जी मैं ही बॉस हूँ, सिर्फ मेरी जो मैं कहूँगा वही हो। आपको कैप्टन को भी रिस्पेक्ट देनी होती है, एंड सेम टाइम कैप्टन ये नहीं कह सकता क्योंकि मैं कैप्टन हूँ, मेरे अंदर सारा कुछ, मेरी कमांड है, तो मैं कोच जो कह रहा है मैं उसको सुनूँ ना। तो इट इज़ अबाउट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। मैं एक यहाँ पे वो आगे बात हो रही थी इंग्लैंड क्रिकेट की, तो इंग्लैंड क्रिकेट में जब वो 2015 वाला इनका डिजास्टर हुआ वाइट बॉल क्रिकेट में, और उन्होंने सारी चीजें 360 डिग्री चेंज करने की कोशिश की, तो इयन मॉर्गन को लेके आए, तो वो एक इयन मॉर्गन का डिसीजन नहीं था, दे सेट एज अ ग्रुप, वहां पे एक डिसीजन हुआ, फिर उन सब ने उस डिसीजन को बैक किया। हमारे यहाँ अभी वसीम भाई बात कर रहे थे, हमने डिसीजन लिया लेकिन हम सिस्टम में कंटिन्यूटी नहीं रख सके। पहला साल दो साल अगर आप 2016-17 की इंग्लैंड की क्रिकेट देखें तो वो इतनी कामयाबियां उनको नहीं मिली, जो कि इट मेक सेंस, क्योंकि आप एक टोटली सिस्टम को चेंज करते हो, नए माइंडसेट के साथ आते हो, तो यू नीड रिसोर्सेज। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट में माइंडसेट चेंज नहीं किया, वो डोमेस्टिक से लेके जो उनकी क्लब क्रिकेट होती है वहाँ तक एक मैसेज गया, और फिर उन लोगों ने उस मैसेज को लेके चले। यस, उनको फेलियर्स हुए, उनके ऊपर भी क्रिटिसिज्म हुआ होगा। हमारे यहाँ ये होता है कि क्रिटिसिज्म होता है 6 महीने साल, हमको पॉलिसी बनाते हैं, जब क्रिटिसिज्म होता है तो हम उससे डर के उसको रिवर्ट कर लेते हैं। उन्होंने वो नहीं किया और आज उस चीज़ का रिजल्ट उनको मिल रहा है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मैं ये पॉइंट सिर्फ ऐड करना चाह रहा था बीच में, तो ये मेरे ख्याल में जितनी मैंने क्रिकेट देखी, जितनी मैंने खेली, दोनों का रोल बड़ा इक्वल होता है, दोनों ने मिलकर गेम प्लान बनाना होता है, सक्सेस और फेलियर दोनों ने इक्वली अपने ऊपर लेनी होती है। तो फिर एक बंदे है वो कोई भी हो, वो चाहे कप्तान हो या कोच हो, दोनों ये नहीं कह सकते कि मैं बॉस हूँ और मैं शो रन करूँगा, दोनों ने मिलकर प्लान बनाना होता है, फिर सब ने उस प्लान को एग्जीक्यूट करना होता है, वो चाहे सक्सेसफुल हो या फेलियर हो, फिर सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे ही लेते हैं।